महायोगी शिवराम तैलंग स्वामी आंध्र प्रदेश भिजियाम अंचल हुलिया नामक एक ग्राम 1607 मसीह शिवराम जन्म। तांको पितांग नाम नरसिंह राम एवं मातांग नाम विद्यावती। विवाहर अनेक दिन पर्यंत सेमानंकर कौनसी संतान संतति न हेबारु विद्यावती एकनिष्ठ भाव में शिव पूजा कले। जने साधकों आज्ञा से प्रतिदिन शिव पूजा न करिबा पर्यंत अन्न जल स्पर्श करती नहीं। तांको पूजा संतुष्ट होई भगवान शिव आशीर्वाद करिबारु समय क्रमे तांकर पुत्रटीए जन्म होला। भगवान शिवंकर नाम जप करी पुत्र लाभ करिथिबारु संतानर नामकरण करागला शिवराम। जी कि शिव आराधना करी महासाधक महायोगी तैलंग स्वामी नाम रे परे परिचित होइथिले। दिनकर कथा विद्यावती प्रतिदिन परि सेदिन शिव पूजा करबाकू जाइथांती। पुत्र शिवराम मध्य तांको सहित मंदिर को जाइथिले। माँ पाखरे बसु बसु केतेबेले जे निद आसी जाइछि शिवराम सोई पड़िछंती। पूजा शेष में विद्यावती देखुंट भगवान शिवों विग्रह एक अलौकिक शक्ति आसी पुत्र शिवों उपर पड़ुछि। ए कथा देखी माँ विद्यावती स्वामी को समस्त कथा कहबारू ज्योतिष डाकी नरसिंह राव पुत्रर भविष्य गणना करने को कहले। ज्योतिष जनक जातक देखी पुत्रर भविष्य गणना करी कहले ए पुत्र भगवान शिवों आशीर्वाद रु जन्मलाभ करिछंती। समग्र भारत तथा विश्व प्रसिद्ध धर्मयाजक रूपे ख्याति लाभ करिवो। फलरे तुमर कीर्ति जुग जुग को अमर होई रहिबो। शिवरामंकर बयस जते बढ़ु थाए तांकर संसार प्रति वैराग्य सेते आसु थाए। पुत्रर एपरि वैराग्य मनोभाव देखि पिता तांकर विवाह कराइ देबाकू इच्छा प्रकाश करले। मात्र पुत्र चिरकुमार रहिबाकू स्थिर करिथिले। पुत्रर इच्छा को पूर्णांग करिवा पाई मां समर्थन करिवारु शेषरे पिता नरसिंह राव मध्य समर्थन कले। शिवराम को जेतेबेले 40 वर्ष सेतेबेले तांको पिता इहलीला संवरण कले। तांको जेतेबेले 52 वर्ष सेतेबेले माँ विद्यावतींकर प्राणत्याग घटिला। पितामातांकर मृत्यु पर शिवरामंकर सांसारिक मोहमाया छीर्ण होईगला। से घरू बाहरी जाई एक श्मशान रे चाळ घरटीए तयारी करी साधना रे मग्न रहिले। विमातार पुत्र श्रीधरंक ठारू पितृ संपत्तिर कोनोसी भाग आनिले नाही। धीरे धीरे शिवरामंक साधना बलिष्ठ हेबाकू लागिला। साधनार किछि दिन परे से सिद्धि प्राप्त हेले। कहुए स्वामी भगीरथानंद सरस्वती होउछंती तांकर दीक्षा गुरु। तांको ठारो दीक्षा नहीं से भगवत प्राप्ति होई पारिथिले। गुरुंक परामर्श रे शिवराम जन्मस्थान होलिया को परित्याग करी भारतर विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण करी शेषरे पुष्कर ठारे पहुँचिले। सेतेबेलकू तांको 78 वर्ष। गुरुंक ठारो दीक्षा ग्रहण पर तांकर नाम बाबा गणपति सरस्वती नाम रे नामित होइथिला। से तेलंगा देशरू आसीथिबारू जनसाधारण तांको तैलंग स्वामी नाम रे डाकुथिले। तापर ठारो स्वामी शिवराम सर्वदा साधन रे मग्न रही जने महाशक्तिमान तेजस्वी साधक रूपे परिचित होइथिले। गुरुंकर देहांत बेलकू तांको 88 वर्ष बयस होइथिला। एही समय रे से भारतवर्षर विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण करी शेषरे रामेश्वर ठारे पहुंचीथिले। रामेश्वर रे एक मेला हेउथाए। सेठारे एक अलौकिक घटना घटिला। जने ब्राह्मण परिवार गरीब लोकटीए तार गोटे बोली पुत्र युवक अवस्था से आकस्मिक परलोक गले। बापा माँ एकमात्र पुत्र को हराई विकल होई कांदु थांती। साई पड़िसारे शोकर छाया खेली जाई थाए। से पिलाटी समस्त आदरर थिबारु तांकर देहांत परे समस्ते कांदु थांती। ठीक यही समय तैलंग स्वामी सही बाट दे जाउथिले। से पिलार मृत्यु तथा समस्तंकर क्रंदन देखी सही पारि नथिले। निज पाखरे थिबा कमंडलर जल आनी मंत्र पढ़ी से युवक उपर को पकाई देथिले। मंत्रित जल युवक उपर पड़िबा परे मृत युवक जनक निद्रार उठिला भली उठी बसिथिला। सही दिन ठारू तांकर ख्याति समग्र भारतवर्ष रे धीरे धीरे व्यापीबाकू लागिला। तैलंग स्वामी जीवन रे बहु अलौकिक घटना देखिबाकू मिले। किंवदंती कहे जंगल रे जाउथुवा बेले बाघ भालू माने भय रे तांको पाखकू जांती नाही। शत्रु मित्र हो जाए। तांको देखा करने विभिन्न देशरू राजाराणी माने पाद छुई आशीर्वाद नियंती। तांको देखा कले बाधा विपद लाघव हुए बोली भक्त मानकर विश्वास। वास्तव में तैलंग स्वामी हस्तस्पर्श एवं आशीर्वाद रे दुखी रकिंकर दुख दूर करती। एपरिक बाधा विपद रे पड़ता लोक मान दुख को लाघव करती। से जहा कहती ताहा संगे संगे फली जाए। कहुए तैलंग स्वामी थिले भगवान शिवंकर द्वितीय अवतार। तांको लीला असीम तांको दर्शन करी भक्त माने शिव दर्शन फल पाउथिले। तांको देहरे भगवान स्वयं विराजमान करिसेंती बोली ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस भक्त मानकु कहिसेंती। तैलंग स्वामी भक्त मानकु बहुत उपदेश देइसेंती। सेही उपदेश को पाठय करी भक्त माने निजको परिमार्जित करी महान होई पारिसेंती। दीर्घ 200 वर्षरु अधिक समय से बंची ईश्वरंकर अपार आशीर्वादरु सीए जो भली भाव लीला खेला करी जगत में अशेष उपकार करिसेंती। सेथिपाई से समस्तंकर चिरपूज्य होई रहिबे एथिरे संदेह नाही। 1887 मसीहा पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन स्वामीजींकर देहांत हेला। तांकर मर शरीर को चंदन काठरे एक सिंधुक निर्माण करी गंगा नदी में विसर्जन करागला। महान सिद्धयोगी शिवराम तैलंग स्वामींकर मुख निसृत केतोटी दिव्य उपदेश। कर्मफल हेउछि जीवन ग्रंथर सूचीपत्र। भक्ति ही भगवत लाभर प्रकृष्ट उपाय। स्वर्ग नरक किछि नाही, पाप पुण्यर विचार एहिठारे अछि। परमात्मारु आकाश, आकाशरु वायु, वायुरु अग्नि, अग्निरु जल एवं जलरु पृथ्वी सृष्टि होइछि।